हाय गाइस, माय सेल्फ आशीष कुमार, सिविल इंजीनियर। आज की वीडियो में हम एक खास टॉपिक देखेंगे, सेंट का वेट इन वन ब्रास, यानी सेंट का जो वेट हम कैलकुलेट करेंगे वो वन ब्रास में कितना होता है। हम जानते हैं कि ब्रास जो है आपका नॉर्थन इंडिया में मेजरमेंट के लिए ज़्यादा यूज किया जाता है, तो वन ब्रास में आपका सेंट का कितना वेट होगा वो हम कैलकुलेशन देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि जो आपका सेंट वेट आएगा वन ब्रास में, तो ये भी देखेंगे कि वन ब्रास बराबर आपका कितना सीएफटी होता है। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहे हैं, वीडियो को आप पूरा देखें। आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज हेलो सर को लाइक एवं फॉलो कीजिए, एवं वीडियो को यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल हेलो सर को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। तो आइए हम देखते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सेंट वेट क्या कैलकुलेट करना है, सेंट वेट इन वन ब्रास। तो सेंट का वेट कैलकुलेट करेंगे, सेंट वेट इन वन ब्रास। तो हम जानते हैं कि जो आपका नॉर्थ इंडिया में ब्रास यूज किया जाता है, तो वन ब्रास बराबर जो आपका होता है, वन ब्रास बराबर आपका 100 सीएफटी होता है। वन ब्रास बराबर क्या होता है, 100 सीएफटी होता है। तो हमें यहाँ कैलकुलेट करना है कि वन ब्रास बराबर कितना सीएफटी। तो हम जान गए कि वन ब्रास बराबर कितना होगा, 100 सीएफटी। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे हम कि 100 सीएफटी में आपका सेंट का वेट केजी में कितना आएगा। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, तो हम जानते हैं कि सेंट जो है आपका, और ये 100 सीएफटी है, इसको आप इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए लेंथ आपका 10 फीट है और विड्थ आपका 5 फीट है और जो हाइट है वो आपका 2 फीट है, यानी 3D में आप इस टाइप से इसको समझ सकते हैं। मेजरमेंट और अलग भी हो सकता है, यानी हमको वन ब्रास बराबर 100 सीएफटी होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि सेंट का जो डेंसिटी होता है, सेंट डेंसिटी वो आपका 1600 केजी पर मीटर क्यूब होता है, 1600 केजी पर मीटर क्यूब। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1600 केजी पर मीटर क्यूब है, यानी 1 मीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 1600 केजी। और 1 मीटर क्यूब बराबर आपका कितना होता है, 35.3141 सीएफटी। यानी 1 मीटर क्यूब को जब आप सीएफटी में चेंज कीजिएगा तो कितना आएगा, 35.3147 सीएफटी। तो इतना सीएफटी बराबर कितना हो जाएगा, 1600 केजी। तो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे कि 1 सीएफटी में आपका सेंट का वेट कितना होगा इन केजी। तो यहां से कितना आएगा, 1 सीएफटी बराबर 1600 बटे कितना हो जाएगा, 35.3147 इतना केजी। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कैलकुलेशन करने के बाद डाटा आपका आएगा 45.30 केजी। तो हम यहां से देखें कि 1 सीएफटी बराबर, यानी 1 सीएफटी बराबर आपका सेंट का जो वेट है इन केजी में कितना आपका आया, 45.30 केजी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत जगह जो है लोकेशन के आधार पे आप जो सेंट मंगाते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए, वो कहीं कहीं आपका ट्रेवल के द्वारा जो है वो केजी में आता है। तो आप याद रखें कि 1 सीएफटी बराबर कितना होगा, 45.30 केजी। तो हमें कैलकुलेट करना है 100 सीएफटी बराबर, तो 100 सीएफटी बराबर कितना आ जाएगा, 45.30 गुणे 100, तो ये आपका कितना हो गया, 4530 केजी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 ब्रास बराबर जो सेंट का वेट होगा वो कितना होगा, 4530 केजी। तो इस टाइप से हम इजी तरीका से कैलकुलेट कर चुके हैं सेंट वेट इन